तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी फार्म के अंदर अपनी गायों का हरा चारा खाना चालू है, सभी को हरे चारे की कुट्टी डाल दिए। तो आज सुबह में लाइट आने से पहले छोटा भाई मैं हम दोनों लोग गए थे ट्रांसफार्मर के पास। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो लाइनें थी बंद, वो पिछले 4 या 5 दिन हो गए तब से बंद है। तो वो लाइन कोई रिपेयर ही नहीं कर रहा था। फिर छोटा भाई और मैं सुबह जाने के बाद उन तीनों लाइनों को हम क्लियर करके आ गए, तो लाइन बढ़िया आ गई। तो हमने फिर छोटे भाई जो कल चारा काट के रखा था उसकी कुट्टी कर ली, और उसकी कुट्टी फार्म के अंदर मैंने 4 टब, ये वाले सामने वाले, ऐसे 4 टब भर के डाल दिए। अभी भी 3 टब भरेंगे, इतना चारा बचा है, जो कि दोपहर के बाद डालेंगे हम। गायों का पेट जो चारा डाला है 4 टब उसी से भर जाएगा, और सुबह में हमें लगाने था कि हमने लाइन जो क्लियर की थी, अगर लाइट आने के बाद वो फिर से फॉल्टी हो गई तो हमने सुबह में ही सूखा भी दे दिया था। उसके बाद हरे की कुट्टी दे दी, और जो बची कुट्टी है ये दोपहर के बाद दे देंगे, और कल के लिए हरा चारा आज फिर से काटने के लिए हम जाएंगे। छोटा भाई और चाची जी भी गाय लेके गए हैं, आज फार्म पे मैं हूँ, तो फार्म पे जो भी काम है वो हमें करके रखने हैं। तुलसी को सेप्टरूम के अंदर बंद कर दिया है, तुलसी की माँ भी यही खा रही, इधर भी काफी सारा चारा बचा है। तुलसी सुबह बाहर घूम रही थी, लेकिन सुबह एक बार बारिश आई, उसमें तुलसी गीली हो गई, फिर उसको लगने लग गई ठंड, इसलिए मैंने फिर सेप्टरूम के अंदर उसको बंद कर दिया। तो अभी यहीं पे बैठेगी, उसकी माँ भी सही से चारा खाएगी। बाहर की साइड अपने छोटे तीनों शैतान और मंगल भाई सब खुले रहेंगे, पानी उनके हिसाब से वो कहाँ से भी पी के आ जाएंगे, और चारा तीनों साथ खा रहे हैं। इनको भी पहले सुबह में सूखा उसके बाद हरा, तो इस तरह इनका काम चल रहा है। और उस वाले फार्म की सफाई पूरी बाकी है, रात का जो गोबर है वो अभी तक उठाया नहीं, अभी बज रहे 11:30, तो वो गोबर उठाने के लिए अभी हम जाएंगे गोबर उठाने, फिर बाद में बहुत सारे और बचे काम वो करेंगे। आज अगर लाइट पूरे दिन सही से चल गई शाम तक, तो ये जो अभी यहाँ पे जो आपको पानी दिख रहा है सारा, जो बोरवेल से निकल रहा है, अपने कुएं से निकल रहा था, वो सारा पानी आज ये जो अभी सामने भरा हुआ है ये पूरा खाली हो जाएगा, अगर बारिश नहीं आई और लाइट पूरा दिन सही चली। तो जो अभी ये बह रहा है पानी ये पूरा जमीन के नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों कुओं की मोटर को चालू करके नालों में पानी निकाल दिया है दोनों साइड, जिससे ये जल्दी सूख जाए। तो इस साइड का भी लगभग कुएं का पानी जो बह रहा था लगभग सूख चुका है, देखो बहना बंद हो गया है क्योंकि मोटर चालू है, तो ये बहना बंद हो जाएगा। जो भी इस साइड में बह रहा है इसको बंद करने के लिए काफी कुएं को खाली करना पड़ेगा, तभी वो बहना बंद होगा। तो कुआ तो चालू है, मतलब मोटर चालू है, पानी निकल रहा है कुएं का, ये देखो इस साइड का, और कुएं का पानी काफी हद तक नीचे चला गया है। तो करीब इसको चालू करके अभी आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में काफी हद तक 1.5 से 2 फीट पानी नीचे गया है। जितना नीचे जाएगा उतना धीमी रफ्तार पे खाली होगा, ऊपर की साइड जल्दी जल्दी खाली हो गया, जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी कम होना और टाइम ज्यादा लगेगा। तो अभी तो पानी बहुत जोरदार निकल रहा है, दोनों कुओं का निकला है, तो वाला कुआ अभी लगभग खाली हो गया होगा 1 से 1.5 फीट। तो उसको देखने सीधा शाम को जाएंगे, चालू तो करके आ गए वो मोटर और सही चले, बाकी और कुछ हम कर नहीं सकते। तो चारा काटने जाना भी है, ट्रैक्टर पे लेके भी आना है, लेकिन इसको काफी टाइम है, पहले हम उस वाले फार्म की सफाई करेंगे, बाकी फिर इस वाले फार्म पे और थोड़ी बहुत काम है, जैसे खुराक पानी में डालना और बच्चों को पानी चारा, इतना काम है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और गोबर होगा वो उठाना, उतना करके चारा काटने जाएंगे। अभी देखते हैं शाम तक ये कितना खाली हो पाता है, ये पानी बंद होगा या फिर नहीं, वो हमें शाम तक जरूर पता चलेगा, क्योंकि कुआं खाली होगा तो ये पानी भी खाली होगा, सामने वाला खेत भी पूरा भरा है लबालब, ये भी खाली होगा, बाकी अपने दूसरे खेत लगभग खाली होने में है, क्योंकि पानी वो ऊपर की साइड वाले, ये नीचे की साइड वाले, इसको खाली होने में काफी टाइम लगता है। वो भी देखते हैं शाम तक कौन सा काम हो पाता है। इस वाले कुएं का पानी काफी हद तक नीचे चला गया है, देखो कहाँ ऊपर तक भरा हुआ था तो काफी हद तक नीचे चला गया है, तो अभी सूखने में टाइम नहीं रहेगा आसपास की जगह। और ये वाली जगह देखो पूरी तरीके से सूख गई है, और जो पानी था बहना बिल्कुल बंद हो गया, पूरा सूख चुका है। तो अभी ये वाला कुआं तो हमने देख लिया, तो अभी हम दूसरा कुआं जो अपना दो कुआ है इसको देख ले, अभी दूसरे को देख के आते वो कितना खाली हुआ। इस वाले कुएं का पानी भी काफी हद तक नीचे चला गया है, करीब जमीन के लेवल के मुकाबले 8 से 9 फीट ये जमीन के नीचे चला गया है पानी। तो बढ़िया पानी उठा रही है मोटर भी, और इस गड्ढे से पानी कल बह रहा था और आज सुबह में भी इसी से बह रहा था, लेकिन मोटर चालू करने के बाद इस कुएं का पानी बहना बंद हो गया। कपास देखो कितनी अभी खराब दिख रही है,
क्योंकि वो भी देखो उसकी पत्ती से समझ में आ रहा है कपास किस हालत से गुजर रही है पानी की वजह से। तो अभी तो हमने ये वाला कुआं देख लिया, अभी जहाँ पे पानी निकल रहा है वो जगह देख के आते पानी किस तरह वहां से जा रहा है। और सामने से भी बारिश का फुल मौसम है, तो किसी भी वक्त बारिश जोरदार आ सकती है, तो फटाफट देखते और वापस फार्म पे चलते हैं। इस जगह निकल रहा है अपने कुएं का पानी, तो अभी यहाँ पे डेढ़ मोटर से थोड़ा कम पानी निकल रहा है, बाकी पानी दूसरी जगह निकला है। दोनों साइड हमने पानी निकाला है, तो यहाँ पे थोड़ा बाकी वहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरह पाइप फिक्स किया है कि अगर एकदम से मोटर चालू हो तो पाइप निकले ना, और अपने खुद के ही कपास के खेत में पानी फिर से ना भर जाए। इसलिए खेत अभी सूख रहा है धीरे धीरे करके, और पानी भी निकल जा रहा है कुओं से, तो खेत जल्दी सूख जाए। कल इस वाले में पानी भरा था, आज इसका पानी थोड़ा सूख गया है, तो धीरे धीरे करके सबका पानी सूखेगा। और जो अभी बारिश का मौसम बना है, अगर वो बारिश जोरदार हो गई तो अपना जो किया कराया है उस पर सारा पानी फिर जाएगा फिर से, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो खेतों में पानी और अपने आप ही भर जाएगा। अभी देखो सामने वाले खेत से ये यहाँ पे नाली बनी, वहाँ से पानी निकला, तो ये खेत से ही निकल रहा है ऊपर का पानी, लेकिन ये सामने वाले कपास अपनी नहीं दूसरे की है, तो इस कपास का पानी यहाँ पे निकाल दिया है। और फिर भी जो बचा पानी है वो अपने मकई के नीचे से आ रहा है, तो मकई का भी निकाला है। सभी जगह पानी निकालने के बाद भी हमें कुओं से निकालना पड़ रहा है। मकई भी अभी अंदर की साइड पानी भरा है, ये देखो मकई में अभी पानी भरा है, ये देखो अभी तक। तो अभी कुआ जो है हमने चालू कर दिया, तो पानी थोड़े टाइम बाद ये भी कम हो जाएगा। ट्रैक्टर लेके हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं, और अभी करते हैं चारा काटने की शुरुआत। ये देखो ये अपना पूरा चारा, तो यहीं से काटना शुरू करते, काट के सीधा ट्रैक्टर पे रखते और लेके चलते। पहले हम काटने के लिए आते थे फिर ले जाते थे बाद में, लेकिन आज काटते और सीधा लेके चलते साथ में, दो दो तीन तीन राउंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी करते हैं शुरुआत यहीं से पास से, और यहीं से भर के यहीं से निकल जाते हैं। खेत में ट्रैक्टर नहीं ले जाना, खेत पूरा गीला है, पानी तो अंदर का जो नालियों में था वो पूरा सूख गया है, अंदर कोई पानी है नहीं, लेकिन फिर भी फंस सकता है ट्रैक्टर, क्योंकि वेट हो जाएगा पीछे से, तो ट्रैक्टर फंसने की संभावना है। तो बाहर रखते हैं रास्ते पे, और रास्ते का पास का ही काट के लेके चलते हैं। ट्रैक्टर पे मैंने अभी चारा रख लिया है, अभी सिर्फ इसको लेके जाने की देरी है। तो अगर ये ट्रैक्टर सही से चला गया तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत एक ही आ सकती है कि अभी देखो सामने वाले खेत में हमने कुछ दिन पहले पंजी चलाई थी, रोटावेटर किया था, जो कि ये सामने वाला ही खेत, अगर ये अभी नीचे की साइड है रास्ता, अगर रास्ते से थोड़ा भी पिछला पहिया नीचे की साइड खेत की तरफ गया तो ये वाला ट्रैक्टर निकालना मुश्किल है, क्योंकि पीछे है काफ़ी सारा वेट चारे का, तो चारे के वेट की वजह से ये ट्रैक्टर ज़्यादा ही धसता जाएगा खेत की तरफ। तो यहाँ से पूरा फार्म तक जाने के लिए खेत के बगल से जाना है, तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो ही ना, क्योंकि पूरा कीचड़ है, कीचड़ में ट्रैक्टर अपने आप ही नीचे की साइड जाता है, तो आराम से पहुंच जाए, बाकी और कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर फार्म पे जाने के बाद मुश्किल कोई पे नहीं है, सिर्फ अभी जो अपना सामने पेड़ है वहाँ तक ही दिक्कत है। तो फिर ये वाला खेत जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर आगे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बढ़िया से चला जाए वहाँ तक। तो जैसे ही हम चारा लेके फार्म पे आए वैसे ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो पत्र का पानी निकलने लग गया है, और ट्रैक्टर भी अपना गीला हो रहा है, चारा भी गीला हो रहा है, लेकिन काट के यहाँ तक ले आए यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये वैसे खेत में रह जाता तो फिर काटना ही मुश्किल, फिर लेके आना और ज़्यादा मुश्किल। आ गया है तो अभी कुट्टी करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेके आना ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो आ चुका है, अभी बारिश में हमें थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अपना चारा कट चुका है, और इस तरह बारिश चालू है, तो अपने कुएं का पानी हम तो खाली करते जा रहे हैं, और ऊपर से बारिश होती जा रही है, तो कितना भी खाली करे कुआ फिर से भर जाएगा। फिर सेना के सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, और ये सब थोड़े अभी गीले हो चुके हैं, बारिश आई थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी ज़ोरदार आई लेकिन जल्दी खुल गई, तो ज़्यादा कुछ पानी ज़मीन से बहा के निकाला नहीं उसने, थोड़ी नॉर्मल 20 मिनट के आसपास चली होगी और फिर खुल गई। तो ये तो सिर्फ गीले हुए हैं, लेकिन चारा सही से खा रहे सभी, और आज ये सब फार्म के पास वाली जगह में ही चारा खा रहे हैं, क्योंकि चाचा जी और छोटा भाई इनको आज दूरी पर लेने गए, तो टाइगर और मोती मेरे साथ आए हैं, और मैं भी इनके लिए खाना लेके आया हूँ, जो कि चाचा जी और छोटा भाई खा लेंगे, और फिर हम वापस जाएंगे, हम वहीं पे फार्म पे ही खा लेंगे।
चाची जी और छोटे भाई को खाना खिला लेते, क्योंकि बारिश खुल गई थी तो मैंने सोचा पहले खाना खिला लेते हैं, अगर बारिश आ जाएगी तो फिर हमें और दिक्कत आएगी। मैं बारिश में फार्म के काम कर सकता हूँ लेकिन खाना यहाँ पे लेके आना है तो बारिश खुली ही चाहिए। तो अकेले को भी थोड़ी देर तक इनके लिए संभालने का काम करना है, फिर बाद में चाचा जी और छोटा भाई वापस से खाना खाने के बाद इनको संभालेंगे और हम वापस जाएंगे, तब तक हमें इन सबको संभालना है। अभी अपने छोटे तीनों शैतानों को दूसरी बार चारा हरा रखा हुआ है और ये वाला कबूतर आ रहा है दानों के लिए, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, इनके लिए दूसरे दाने काफ़ी है लेकिन मूंगफली के दानों के लिए घूम रहा है। ये देखो ये भी आ रहे पास पास, तो इन सबको चाहिए दाने, और चावल और गेहूँ डाले हुए लेकिन वो खा नहीं रहे, बाकी कुछ अंदर घूम रहे। ये देखो ये रहे ये घूम रहे और एक ये, बाकी अपने फार्म के अंदर अपनी सभी गायों को भी दूसरी बार का हरा चारा मैंने डाल दिया है। हम तो डालते सुबह और शाम थे लेकिन अभी डाल देते दोपहर को, रात को बारिश आती है तो फिर दिक्कत ना हो, बढ़िया खा पाए, इसलिए हम जैसे ही बारिश खुलती हम दूसरी बार या तीसरी बार चारा दिन को ही खिला लेते हैं। तो अभी दूसरी बार चारा गाय खा रही, शाम के लिए थोड़ा बहुत ही डालेंगे, जो अभी हम हरा चारा काट के लेके आए उसकी थोड़ी कुट्टी कर लेंगे, शाम के लिए 2 या 2.5 टब ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, काफ़ी सारा मैंने अभी डाल दिया है पूरे दिन का चारा, मतलब सुबह और शाम तक, और सुबह और शाम जितना चारा लगता है उतना चारा मैंने अभी डाल दिया, शाम के लिए थोड़ा ही देंगे। बच्चों के लिए भी हम 3 बार देते थे चारा, तो 2 बार तो इनको मैंने अभी दे दिया, शाम को और 3री बार हो जाएगा। जो बारिश आई थी उसका पानी यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा हुआ है और जो पानी यहाँ से बह रहा था निकल के वो थोड़ा कम हो गया, अब ये रुका हुआ पानी है, बहता हुआ पानी जो था वो अभी बहुत कम हो गया, तो लगभग ये सूखने में टाइम नहीं लगेगा, अपनी कुएँ की मोटर चल रही है तो जल्दी सूख जाएगा। और जो बोरवेल का पानी था वो 2 फीट अपने आप ही नीचे चला है, क्योंकि अपना कुआँ चालू कर दिया तो बोरवेल का पानी 2 फीट नीचे चला गया है। अगर कुआँ बंद हो जाएगा मतलब पानी निकालना बंद कर देंगे तो रात में फिर से पानी बहने लग जाएगा, फिर सुबह फिर से चालू कर देंगे। तो अभी देखते हैं कितनी सफलता हमें मिलती है। कबूतरों को मूँगफली के थोड़े दाने देते हैं, मेरा खाना अभी तक बाकी है, 3 बज चुके हैं, तो पहले अभी खाना खा लेते हैं, इनको दाने देने के बाद फिर बाकी बचे काम कर लेंगे। इस वाली कुएं का पानी बहुत सारा खत्म कर दिया है हमने, करीब 12 से 13 फीट पानी नीचे चला गया है, तो 12 से 13 फीट पानी अपने मोटर ने निकाल दिया कुएं से बाहर, तो काफ़ी हद तक अपना कुआं खाली हो गया है। और जो पानी बाहर बह रहा था वो भी देखो पूरा अभी सूख गया है, मतलब बहना ही बंद हो गया पूरा, और अभी कोई दिक्कत नहीं इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे अपने ट्रैक्टर की नालियाँ बन गई है इसलिए इनमें अभी पानी भरा है, लेकिन ये जो बह रहा था ये भी बहने का पानी ख़त्म हो गया, और देखो अभी काफ़ी हद तक सूख गया, मतलब जो पानी बह रहा था यहाँ से ऊपर से वो अभी बह नहीं रहा, सिर्फ नालियों में भरा पड़ा है, तो ये भी नालियों का पानी नीचे चला जाएगा और सिर्फ कुछ और 2-4 दिन अगर मोटर सही से चल गई और बारिश नहीं आई तो जो अभी सामने वाले खेत में पानी ये भी हम ऐसे ही मतलब अपने कुएं की मोटर चालू करके ही वो वाला पानी भी अपने आप ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और जो यहाँ से बह रहा था देखो इस साइड में ये ऊपर वाला ये पूरा हो गया ख़त्म, क्योंकि पानी नीचे चला गया कुएं का तो ये बहना भी बंद हो गया, लेकिन जो ट्रैक्टर के पास है वो अभी तक पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, ये भी स्लोली बह रहा है, लेकिन पहले जिस तेज़ी से बह रहा था वो वाली तेज़ी अभी इनमें कम हो गई, तो अभी बहुत स्लो इधर से पानी निकल रहा है, लेकिन इस साइड से काफ़ी निकल रहा था, जो कि अभी निकलना तो बंद हो गया, लेकिन जो अभी ट्रैक्टर की जो नाली बन गई उसके अंदर पानी रुका हुआ है, ये भी अभी थोड़े टाइम में मतलब कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा, मतलब जो दिख रहा है वो भी दिखेगा नहीं। सभी गाय अपनी खुल चुकी है और अभी हरे चारे की कुट्टी खा रही है, आरती भी इसी वाले फार्म रहेगी और मैंने पहले भी बताया क्योंकि वो यहाँ पे रह रही है। तो अभी इस साइड में अपनी राधा, अंदर है तुलसी, तुलसी के साथ अपने बड़े और 3 शैतान, पानी भी है तो बढ़िया से चारा भी उनके लिए है, तुलसी दूध ही पीती है, तो अभी देख रही है राधा डॉग को कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो डॉग के पीछे भागती, देखो अभी डॉग को ही देख रही, जैसे डॉग आएंगे फिर वो उनको मारने के लिए जाती है, तो एकदम से तो फार्म के अंदर डॉग आएंगे नहीं और ये भी बाहर नहीं जा पाएगी, सेफ्टी रूम में है बच्ची तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं,
डॉग को भी अभी खाना दिया जा रहा है और लगभग खा लिया सबने, डॉग ने खाना तो सारे काम निपटा लिए। लाइट चली गई है लेकिन यहाँ पे पानी बहना जो था वो भी बंद हो चुका है, सिर्फ अभी नालियों में पानी रह गया। अगर इन नालियों से निकाल देंगे तो इसमें भी पानी नहीं रहेगा, तो सुबह थोड़ा और सूख जाएगा तो इन नालों को हम अच्छे से मिला के एक कर देंगे, क्योंकि रास्ता सही बन जाए और अपना ट्रैक्टर आता जाता रहेगा तो ये थोड़ा रास्ता ख़राब भी रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के इतने सारे वेट के साथ रास्ता सही नहीं रहता। तो अभी बाकी सारे काम हो चुके हैं, तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।